नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों फाइनली आपका 12 अगस्त का एलडीसी का एग्जाम, राजस्थान एलडीसी का एग्जाम का पेपर वन हो चुका है। तो लेवल की पूरी बात कर लेते हैं, पूरा एनालिसिस कर लेते हैं और ये पूरा पेपर देख सकते हो। आंसर की अभी नहीं दे पाऊंगा, आंसर की आपको शाम तक मिल जाएगी क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। 150 क्वेश्चन है, आंसर की बनाने में और आंसर ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा। पहले आप लेवल सुन लो और पेपर देख लो। लेवल की अगर मैं बात करूँ तो ऑन एन एवरेज अच्छा लेवल था, आराम से कर सकते हो, कोई ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आया है। कई क्वेश्चन तो एकदम डायरेक्ट पूछ लिए गए हैं, ठीक है। साइंस में देखिए आप ज़्यादा किस पे ध्यान रखना वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादा ध्यान रखना है आपको जो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी, जैसे सैटेलाइट वगैरह, ठीक है, इनके क्वेश्चन अच्छे खासे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, चाहे साइंस की बात करें चाहे हम राजस्थान जीके की बात करें, दोनों में पूछे जा रहे हैं। और जो सन के क्वेश्चन है, जैसे ईयर कि ये कब शुरू हुआ, ये कब हुआ, उस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। साइंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके, कोई इतना ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जा रहा है। ये आप पेपर सामने देख सकते हो, पूरा पेपर है मेरे पास, ठीक है, पूरे 150 क्वेश्चन है, आपको ये पूरा पेपर मिल जाएगा। आराम से पेपर देख लो, एनालाइज कर लो। और मैथ्स का लेवल, अगर मैथ्स की भी बात करें, जिनको मैथ्स में डर है, तो मैथ्स का लेवल आराम से कर सकते हो आप। कोई ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आया है, मैथ्स भी ईजी आया है। जैसे कि देखो साइंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, ड्राई सेल क्या है, कौन सा होता है ड्राई सेल, सीधे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। देखिए अभी मैंने सारे पूरे 150 क्वेश्चन एक एक करके नहीं देखा है, लेकिन फिर भी जितना देखा है उसमें एनालाइज ऊपर से मैंने यही किया है कि बहुत अच्छा लेवल है, आराम से आप पेपर निकाल सकते हो। तो आज के तो यही बात है, आगे देखेंगे आने वाले पेपर में कैसे आते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको सन का कहा था, ईयर पूछे जा रहे हैं डायरेक्ट वाले, ये वाला वॉटसन एंड क्रिक प्रपोजल द मॉडल ऑफ डीएनए का जो प्रपोजल दिया था कब दिया था, उस टाइप से देखो। आईआर है, सैटेलाइट का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको सैटेलाइट का क्वेश्चन मिलेगा, तो उस हिसाब से सैटेलाइट के क्वेश्चन है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इनके क्वेश्चन आ रहे हैं काफ़ी। देखिए आप ये पूरा देख सकते हो, पूरा आपको पेपर मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। पहले एक बार लेवल सुन लो। देखिए मैथ्स के लेवल की बात करें, डायरेक्ट एंगल पूछे जा रहे हैं कि इसका एंगल कितना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाले, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आराम से पेपर देख लो एक बार के लिए, पूरा एनालाइज कर लो। और हम शाम तक ये भी आपको बता देंगे कि किन किन टॉपिक पे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो आपको आगे आने वाले दिनों में जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए ये भी बता दूंगा कि क्या क्या आपको चीज़ें ज़्यादा पढ़नी है। ये देखो यहाँ पे फिर से एंगल वाला क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, एंगल आराम से निकाल सकते हो। यहाँ से आपको देखो ये फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आ गया, और फिर से नीचे एंगल वाला क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है, ट्राइंगल वाला क्वेश्चन आ चुके हैं। और आगे और देख लेते हैं, थोड़े बहुत साइन थीटा कॉस थीटा के क्वेश्चन हैं, ये देखने पड़ेंगे किस टाइप के आए हैं। और फिर भी आगे मीन मोड मीडियन का 75 वाला क्वेश्चन है, तो इस हिसाब से चल रहा है। करंट भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये जीके के अंदर करंट भी नॉर्मल आ रही है आपके। इसके क्वेश्चन आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं साइन कॉस थीटा के, ये भी पढ़ लेना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस वाला जो होता है ना, इस टाइप का जो प्लेन होता है, ये एक्स एक्सेस हो गई, ये वाई एक्सेस हो गई, इसके क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं, तो ये करके जाना, ठीक है। जिनका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है वो करके जाना। जैसे ये देखो ये फिर से एक्स एक्सेस का आ गया, ये आ गया, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये करके जाना पूरे, इनको मत छोड़ देना, ये आपको स्कोर करवाएंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन आ गया, गुणनखंड यहाँ पे आप देख सकते हो, लाभ हानि जो सब कुछ है, लाभ बराबर हो, ये देखिए लाभ वगैरह का क्वेश्चन है इधर। वैल्यू के क्वेश्चन आ गए कि इसका मान क्या होगा, ये शॉर्ट ट्रिक से होता है डायरेक्टली। और परसेंटेज का क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, लॉग के क्वेश्चन हैं आपके, रेशियो के क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। राजस्थान का आप जीके आ चुका है यहाँ पे कि एक इन्वेस्टमेंट क्या होता है मिनिमम मशीनरीज के लिए, 25 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, तो करंट में जिसको अच्छा खासा पढ़ा हुआ वो आराम से कर सकता है। ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या होता है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए। विच इज़ नॉट एन ओर ऑफ लीड जिंक, सीसे जस्ते का आईएस कौन सा नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटल प्रोडक्ट इज मेन प्रोडक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का कौन सा मेन प्रोडक्ट है। परियोजना देखिए, भाखड़ा नंगल, व्यास परियोजना, चंबल परियोजना पे क्वेश्चन आ गया है, तो मानता हूँ कि इतना कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आया, कुछ हो सकते हैं बीच में हार्ड क्वेश्चन, लेकिन फिर भी जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक कोई ज़्यादा इतना हार्ड नहीं लग रहा है पेपर। भामाशाह योजना, तो योजनाएँ पढ़ के जाना, ठीक है, जिनका भी आगे आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, योजनाएँ वगैरह देखिए। सन का मैंने आपको कहा था, सन के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं, किस में हुआ था, पीपल पत्रा, आयुडगा, ये सभी क्या है, कौन सा आभूषण है, आभूषण के क्वेश्चन है आपके। और देखते हैं आगे क्या है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, वो हुआ था कर्नल जेम्स टॉड ने, मेवाड़ के इतिहास का मैराथन किसे कहा था, इतने इजी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी, आप देखते ही टिक कर दोगे। आगे देखते हैं, और देखिए करंट में मैंने आपको कहा था ये सन वगैरह की चीज़ है ना, ये ज़्यादा पूछी जा रही है, तो जिनका भी जो भी सन है वो याद रख लेना,
योजनाएं वगैरह आपको डायरेक्ट पूछी जा रही है, और मेगा फूड पार्क कहाँ बनने जा रहा है, ठीक है, ये अजमेर में सबको पता है। तो इजी क्वेश्चन है, करंट के भी इतने कोई ज़्यादा नहीं है। तो ये पूरा का पूरा आपको पेपर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, डाउनलोड कर लो, पेपर देख लो। देखिए यहाँ पे ये जो भैरोसिया शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना, ये क्वेश्चन तो मैंने भी आपको दिया था, बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। और जो हाल ही में खबरों में है राजस्थान के रिलेटेड, वो चीज़ें पूछी जा रही है, ध्यान रखना है। देखिए पिंक बॉलवर्म हाल ही में खबरों में था, ये निम्न में से किस फसल के लिए हानिकारक है। तो जो हाल ही में चीज़ें हो रही है उन पर ज़्यादा फोकस करना। तो ये पूरा पेपर हो गया है, और चैनल के साथ बने रहना, शाम तक आंसर किया जाएगा। और दूसरा पेपर भी आपके लिए सबसे पहले लेके आऊँगा, तो देखते रहना। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नए एक वीडियो में।